आपने देखा होगा कि बारिश की बूंदों के साथ साथ कई बार अचानक से ओले या फिर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं, इन्हें हेल स्टॉर्म भी कहते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है ओले बनते कैसे हैं, इनका आकार गोली क्यों होता है और अचानक बर्फ की बारिश क्यों होने लगती है? सूर्य की तेज रोशनी के कारण नदी, तालाब, समुद्र एवं महासागरों का पानी वाष्प बनकर आसमान में बादल बनाते हैं। यही बादल वर्षा के रूप में वापस धरती पर गिरती है। परंतु जब आसमान में तापमान 0 डिग्री से कम होता है, तब हवा में मौजूद नमी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है। बूंदे आपस में जुड़कर बर्फ बन जाता है। बर्फ के इन टुकड़ों का वजन काफी अधिक हो जाता है तो आसमान से धरती पर गिरने लगते हैं। गिरते समय वायुमंडल में घर्षण कारण पिघल कर ये गोल हो जाते हैं। जो बर्फ के टुकड़े अधिक मोटे होते हैं वो पिघल नहीं पाते और ओले के रूप में जमीन पर गिरते हैं, जो फसलों को काफी नुकसान भी पहुँचाते हैं। वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।